Pronoun third edition for grade 6. Factors and multiples. Write the first 5 multiples of 17. 7 का टेबल पढ़ना है कहाँ तक? 5 तक. जो आंसर्स आएंगे उसको इस तरह से लिख देंगे. इसी तरह 23. 23 का टेबल भी 5 तक पढ़ेंगे, आंसर ये रहे. 47 का टेबल पढ़ेंगे, वो भी 5 तक, आंसर ये रहे. लिस्ट द मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40. यानी 7 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 10 से ज़्यादा हो लेकिन 40 से कम हो. तो 10 के बाद क्या आ जाएगा? 14, 21, 28 एंड 35. लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 11 लेस देन 50. मल्टीपल हो 11 का लेकिन हो 50 से कम. क्या है? 11, 22, 33 एंड 44. लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 50 विच वन मल्टीपल्स ऑफ बोथ 2 एंड 3. यानी 2 और 3 दोनों से मल्टीप्लाई होते हों लेकिन कम हो किससे? लेस देन हो, छोटे हों 50 से. तो हम सबसे पहले 2, 3 के बाद क्या आता है? आप 2 के टेबल भी नहीं लिख सकती, 3 का भी नहीं लिख सकती. अब क्या है? 6. यानी 6 देखते हैं तो 2 के टेबल में भी आता है, 3 में भी. इसी तरह 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48 लेस देन 50. विदाउट एक्चुअल डिवीजन स्टेट वेदर, वेदर की स्पेलिंग, each of the following numbers is divisible by 2, 3, 5 and 11. 105 है, इन सबको हम सम अप करेंगे तो ये 6 बन रहा है. और 105 किससे जाता है? 5 के टेबल से. इसको हमने साइड पे आके मल्टीप्लाई किया. यानी अगर हम देखते हैं इसका एडिशन आ रहा है बस 6, हम 3 के टेबल से डिवाइड करके देखते हैं. ये 3 के टेबल से जा रहा है. 3, 3 जा 9, रिमेनिंग नंबर इज 1, ऊपर से आ गया 5, 3, 5 जार 15, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा. अच्छा, अब इसी तरह जैसे 3 से, इसी तरह 5 से भी कम्प्लीटली ये सॉल्व हो जाएगा. यानी अगर मैं यहाँ करती हूँ 105, ये रहा 5, 5 टू जार 10, ये आया 5, 5 वन जार 5. यानी ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है. अच्छा, उस क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया था, इसमें हम एलसीएम के थ्रू मालूम कर रहे हैं, मतलब हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं. लेकिन सेकंड मेथड के तौर पर हमने ये यहाँ पे एलसीएम भी लेके बता दिया है. ठीक है, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो आप साइड पे जा कर के डिवाइड कर लें. अच्छा, इन सब का भी सम अप आ रहा है 12. अब ये किससे 12 किससे जाएगा? 12 जाता है 3 के टेबल से. ठीक है, जाता तो 2 के टेबल से भी है लेकिन 2 के टेबल से ये नहीं कटेगा. क्यों? क्योंकि आखिर में क्या है? 1. अगर आखिर में 2, 4, 6, 8 या 0 होता तो डिवाइड हो जाता 2 के टेबल से. तो 2 के बाद किसकी बारी आई? 3 की. 3 से देखते हैं, ये देखें 3, 6 जार 18, 2 इधर शिफ्ट हो गया, 3, 9 जार 27, 2 इधर शिफ्ट हो गया, 3, 7 जार 21. यानी ये 3 के टेबल से एलसीएम भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, डिवाइड डिविजिबल है. ठीक है. अच्छा, अगर हम इसी को 6 से चेक करेंगे, अगर हम 6 से चेक करते हैं, 6, 3 इज़ 18, 2 इज़ कैरी 1, 29, 6, 4 इज़ 24, 5 शिफ्ट हो गया. और फिर उसके बाद अगर 51 देखते हैं तो 6 के टेबल में 51 नहीं आता. तो इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, किससे होगा? सिर्फ 3 से. 997 डिवाइजिबल बाय नन ऑफ देम, यानी ये प्राइम नंबर है, ये किसी से भी डिवाइड नहीं होगा. गिव द मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग 21 बिटवीन 100 एंड 200. 21 का टेबल पढ़ना है 100 से लेके 200 के दरमियान. यानी 21 फाइव्स आर, इसी तरह 6, 7, 8, 9, इन सबको एक साथ करके नोट डाउन कर देंगे. अब आ जाते हैं 27 पर.
27 का टेबल पढ़ना है, लेकिन किसके से कितने दरमियान, 150 से 250। अब ये 150 टू एबव है और ये देखा जाए तो 250 टू बिलो है, ठीक है। तो 27 का टेबल पढ़ा है इस तरह, इसको भी कम्प्लीटली लिख दिया। अब आ जाते हैं 37 पे, 37 का टेबल पढ़ना है लेकिन 100 से 250 के दरमियान, ये देखो 100 से एबव है और 250 टू बिलो है। और फिर इन सब के आंसर जो है कि एक्सेप्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। यानी देखा जाए तो 21 7 के टेबल से तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 14 के टेबल से नहीं आएगा। क्यों? 14 वन ज़ार 14 हुआ और 14 टू ज़ार 28, यानी 21 टू एबव हो गया, उससे ज़्यादा हो गया तो वो नहीं हो सकेगा। डिवाइजिबल बाय 3 बट नॉट बाय 6। 3 से तो डिवाइड हो जाए लेकिन 6 से ना हो सके, तो 3 से 9 ही डिवाइड हो सकता है, 6 से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 6 वन ज़ार 6, 6 टू ज़ार 12, 12 इज एबव फ्रॉम 9। डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15। 5 से तो डिवाइड हो लेकिन 15 से नहीं हो, यानी 5 से डिवाइड होने का मतलब है के 20 5 से डिवाइड हो सकता है। फिर अब अगर हम इसको देखते हैं, ये रहा 20, ठीक है, यानी 20 डिवाइड हो, यानी कौन सा ऐसा नंबर है जो डिवाइड हो रहा हो 5 से, ठीक है। तो 5 4 20, इस तरह से जब हम कहते हैं डिवाइजिबल बाय 3 तो 3 हमारा बाहर आएगा, सही है। इसी तरह जब हम यहाँ बात करें डिवाइजिबल बाय 5, 5 से डिवाइड हो लेकिन अंदर का नंबर हमें नहीं मालूम, तो ये हमें खुद सर्च करना है। यानी 5 के टेबल से देखें ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन अगर हम 15 से देखते हैं तो 15 टू ज़ार 30, 30 इज़ एबव फ्राम 20।